जय हिंद। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी SSR और AA एग्जाम के लिए करतार के 20 मॉडल सेट में जितने भी GK के क्वेश्चंस हैं और साथ में अलग अलग सेंटर पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं और उस एग्ज़ाम में जितने भी GK और करेंट्स के क्वेश्चंस बने हैं उन सब का अप टू डेटेड मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। ये आने वाले इंडियन नेवी SSR AA और साथ में MR एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज के इस वीडियो सेशंस में GK के 500 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि MR एग्जाम में 25 GK के क्वेश्चंस बनते हैं और साथ में SSR और AA का एग्जाम अब कंबाइंड हो चुका है उसमें भी 25 GK के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये नहीं है कि MR में अलग आता है अलग पैटर्न पे और SSR और AA में अलग आता है, नहीं, GK का लेवल सेम होता है। तो जो भी कैंडिडेट MR का भी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यहाँ से आप सभी को बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है। देखिएगा यहाँ से आपके एग्जाम में 10+ क्वेश्चंस डेफिनेटली यहीं से आएगा, 100% मैं वादा करता हूँ आपसे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ये जो बुक है करतार पब्लिकेशंस का ये बुक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट के पास होगा। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में जितने भी SSR का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में अलग अलग सेंटर पे कंडक्ट हुआ है उन सब का कलेक्शंस दिया गया है क्वेश्चनों का और साथ में इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट भी दिया गया है। तो इसी बुक से मैं प्रीवियस क्वेश्चंस के GK के क्वेश्चंस और साथ में मॉडल सेट के जितने भी GK के क्वेश्चंस है उसको इंक्लूड किया हूँ। पहले क्या होता था कि नेवी AA का एग्ज़ाम अलग होता था, SSR का अलग होता था, इसलिए करतार पब्लिकेशंस अलग अलग ट्रेड का अलग अलग बुक निकालती थी। इसके पहले मैं AA ट्रेड का जो बुक आया था करतार पब्लिकेशंस का जिसमें AA के अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं कंडक्ट अलग अलग सेंटरों का उसका कलेक्शंस और साथ में 20 मॉडल सेट का GK कलेक्शंस दिया हूँ। तो जो कैंडिडेट AA ट्रेड वाला बुक का सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 500 क्वेश्चंस कराया हूँ। आने वाला नेवी AA SSR और MR GK सेक्शंस के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। देख सकते हैं इसी बुक से मैं ये सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। देख सकते हैं 20 पेज का ये PDF बनाया हूँ, अलग अलग सेंटर पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए सबसे पहले उस क्वेश्चंस को लिया हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रॉपर ढंग से मैं हैंड नोट्स बनाया हूँ और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट सभी प्रैक्टिस का सेशंस में जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और साथ में जितने भी करेंट्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइम उस सबको अप टू डेट कर दिया हूँ मई 2021 तक, देख सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट्स रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए क्योंकि साथ में यहाँ से आपको करेंट्स की जानकारी मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते थे। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग अलग अलग सेंटर पर जो नेवी SSR का एग्जाम कंडक्ट हुआ है वहाँ के GK के क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग मॉडल सेट को देखेंगे फ्रेंड्स। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद मैं आप सभी को नेवी MR के लिए करतार पब्लिकेशन का 35 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो सारे क्वेश्चंस को देने वाला हूँ। तो चैनल से जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि मैं जो भी प्रैक्टिस सेट डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रांची सेंटर का है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन। सेकेंड देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। थर्ड देखिए गुजरात का लोक नृत्य क्या है, तो गरबा है। फोर्थ देखिए मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1909 में लागू किया गया था। फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए 5 जनसंख्या के आधार पर बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान दिया गया है देश में, और फर्स्ट पे है UP, सेकेंड पे है महाराष्ट्र, फोर्थ पे है वेस्ट बंगाल और थर्ड पर बिहार। 6 देखिए राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था। 7 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गया था, तो ये 1885 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 8 देखिए वॉलीबॉल के एक पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए AISSF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th टेनिस का मक्का कहा जाता है, तो विंबलडन जो है उसको कहा जाता है टेनिस का मक्का। अब देखिए 11th देखिए आइजोल कहाँ की राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी है। 12 देखिए मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो देखिए ओ ग्रुप का जो
रक्त समूह है ये, इसे स्वर्गदाता कहा जाता है और स्वर्गग्राही ए बी को कहा जाता है, याद रखिएगा। 13 देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। 14 देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण कैसी भौतिक राशि है, तो ये सदिश राशि है। 15 देखिए, प्रकाश रंग, प्रकाश का रंग का पता लगाया जाता है, तो आवृत्ति के माध्यम से प्रकाश का रंग का पता लगाया जाता है। 16 देखिए, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 17 देखिए, एसी को डीसी में कौन सा उपकरण कन्वर्ट करता है, तो रेक्टिफायर करता है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। 18 देखिए, टायर का फटना ऊष्मा गतिकी के किस विधि का उदाहरण है, तो रुद्धोष्म विधि का उदाहरण है। अब देखिए, नेवी एसएसआर 7/4/2015 रांची सेंटर का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, बुध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में ये किए थे। सेकंड देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में की थी। थर्ड देखिए, 1857 में नेताओं में से किसको सबसे पहले अपना बलिदान देना पड़ा था, मंगल पांडे दिए थे अपना बलिदान सबसे पहले। फोर्थ देखिए, महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। 5 देखिए, देश के सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जी होते हैं कमांडर इन चीफ। 6 देखिए, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, तो संसद की स्वीकृति, संसद जो है इसके स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं होता है। 7 देखिए, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाले प्रधान सामान्य अन्य कौन सा है, तो चावल अन्य है। अब देखिए, 8 सबसे ज़्यादा लाभ अर्जित करने वाला भारतीय कंपनी कौन सा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो जाएगा। 9 देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो देश के इसको अप टू डेट कर दिया हमें, तो अभी वर्तमान में विजय भाई रूपानी और राज्यपाल अभी है आचार्य देवव्रत। 10 देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है यानी खेल के कोच को दिया जाता है। 11 देखिए, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 डायरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एडिसन ने किया था ग्रामोफोन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है किसका तरंग दर सबसे छोटा है, तो देखिए ऑप्शन था एक्स किरण, सूक्ष्म तरंग और औरक तरंग, पराबैंगनी किरण, तो आंसर हो जाएगा एक्स किरण का तरंग दर सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अबिंदुदुक्ता के निवारण हेतु लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो जो अबिंदुकता है उसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। 16 देखिए, वाईवान के टायरों में कौन सी गैस भरी होता है, तो हीलियम गैस भरा होता है। क्वेश्चन 17 देखिए, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, तो इसका मान होता है 6.023 × 10³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 जी बड़ा जी का मान कितना होता है, तथा 6.67 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 परमाणु के नाभिक में होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है परमाणु के नाभिक में। अब देखिए, नेवी एसएसआर 8/4/2015 रांची सेंटर का ये क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो चाणक्य ने किया था। सेकंड देखिए, तराइनी की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी ने किया था। देखिए, तराइनी के दो लड़ाइयाँ होते हैं, एक तो 1191 में प्रथम लड़ाई हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था, लेकिन दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हारा था मोहम्मद गोरी से। यही पूछ रहा है कि दूसरी लड़ाई में, तराइनी की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी ने 1192 में पराजित किया था। थर्ड देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए इसे करेंट में अभी एस स्टाइलिन बने हैं, ये अपडेटेड है मई 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितना है, तो 35 वर्ष है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 6 देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी ये वर्तमान में बोरिस जॉनसन है। सारे करेंट्स के क्वेश्चंस को मैं अप टू डेट कर दिया हूँ। 7 देखिए, जलवाष्प के भंडारित उष्मा है, तो गुप्त उष्मा है। 8 देखिए, सब्जियां जल्द खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है, तो जल होता है, इसके कारण
सब्जेक्ट खराब हो जाती है। नाइन देखिए, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो केरल राज्य से शुरू हुआ था कथकली। और कथक अगर पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाता था। 10 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 11 देखिए, तमिलनाडु की मुख्य भाषा क्या है? तो तमिल है। ये कई बार पूछा गया है नेवी MR SSR डबल ए के एग्जाम में। 12 देखिए, नए चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्र जो है ये भी वर्तमान में बने हैं नए चुनाव आयुक्त, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 देखिए, बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन का होता है बुध का परिक्रमण काल। 14 देखिए, प्रेरकत्व का SI मात्रा क्या है? तो हेनरी है। अब देखिए, अब यहाँ से प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड, देश का 26वां राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ बना था 26वां राज्य, और 25वां गोवा बना था। थर्ड देखिए, देश में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंधित है। 4 देखिए, डी शब्द का संबंध किसे है? तो हॉकी से संबंधित है। 5 देखिए, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो खेल से संबंधित है एजरा कप का। 6 देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी से किस युद्ध में पराजित हुए थे? जो पृथ्वीराज चौहान था मोहम्मद गोरी से तराइनी की दूसरी लड़ाई में 1192 में पराजित हुआ था, मैं बताया था आपको। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। 8 देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस ब्रिटिश कमांडर से पराजित हुई थी? तो हीरोज से पराजित हुई थी। 9 देखिए, किस भाग को भारत के औद्योगिक भाग का हृदय कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र को भारत के औद्योगिक भाग का हृदय कहा जाता है। 10 देखिए, तेजारिया और मंदारिया का संबंध किससे है? तो शेयर मार्केटिंग से है तेजारिया और मंदारिया शब्द का संबंध। 11 देखिए, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 किनका जन्मदिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सी वी रमन का जन्मदिवस इनके दिवस पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 13 देखिए, प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलरी किस देश के निवासी थे? तो न्यूजीलैंड के ये निवासी थे। अब देखिए, 14 किसी महीने का प्रथम सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो अगस्त का जो प्रथम सप्ताह होता है ये विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 कंप्यूटर में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 10 से 24 बिट्स के बराबर होता है। 16 देखिए, वायुमंडल में किस गैस का आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को से हमारी रक्षा करता है? तो आजोन जो परत है ये आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 स्पाइंडेलाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेरुदंड प्रभावित होता है। 18 देखिए, पित्तल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। और प्रैक्टिस सेट 2 के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति का चयन आम सहमति से हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी का जो राष्ट्रपति का चयन आम सहमति से हुआ था। 2 देखिए, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे? तो जियाउद्दीन के नाम से छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे। अब देखिए, 3 चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किनकी उक्ति है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ये उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 साइलॉक शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस रचना का पात्र है साइलॉक शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, अल्फांसो किसकी किस्म है? तो आम का किस्म है। 6 देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है NDA। अब देखिए, 7 जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 बौद्ध गथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। क्वेश्चन 10 देखिए, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे ये प्लेटो। 11 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक हथियार का प्रयोग पहली बार किया गया था? तो मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था पहली बार। क्वेश्चन देखिए, 12 चीन की महान दीवार का निर्माता कौन थे? तो सी वांग टी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 यूनान के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? तो सुकरात को
मजबूर किया गया था, ये यूनान के दार्शनिक थे जिसे बीस का प्याला पीने के लिए बाध किया गया था। क्वेश्चन देखिए 14, किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहते हैं? तो इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। 15 देखिए, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, टीपू सुल्तान भारत की किस रियासत का शासक था? तो मैसूर का ये शासक था टीपू सुल्तान। 17 देखिए, दिल्ली के शासकों द्वारा संरक्षित भाषा थी? तो दिल्ली के शासकों की जो भाषा थी फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसा होता है? तो वैद्युत ऊर्जा होता है। क्वेश्चन 19 देखिए, दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। 20 देखिए, डीएनए में क्या है? देखिए एक ऑक्सीराइबोज शर्करा होता है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो ये स्तनधारी में आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेप्स है, और सबसे बड़ी फीमर है जो जांघ की हड्डी। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सेकंड देखिए, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के कक्ष के बीच चक्कर लगाने वाले अत्यंत लघु आकार के आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के जो बीच में चक्कर लगाते हैं जो स्ट्राइड होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, पृथ्वी तल का कितना परसेंट भाग पर स्थल खंड है? तो 29% पर स्थल खंड है, बाकी 71% पर क्या है? पूरा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, अलास्का की धारा की प्रकृति कैसा है? तो ये उष्ण में गर्म जलधारा होता है अलास्का की जलधारा। 5 देखिए, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन स्थल है? तो विंध्याचल पर्वत जो है ये बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। 6 देखिए, दिल्ली किस नदी के निकट अवस्थित है? तो यमुना नदी के निकट अवस्थित है दिल्ली। 7 देखिए, गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो पंजाब का ये लोकप्रिय नृत्य है गिद्धा। 8 देखिए, भारत में सर्वप्रथम पनबिजली का उत्पादन कहाँ पर हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था पनबिजली का। 9 देखिए, म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। 10th देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, भारत के प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। 12 देखिए, बंगाल केसरी कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। 13 देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? तो केशवानंद सेन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। 14 देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो विजय घाट कहते हैं। मैंने समाधि स्थल पर वीडियो बनाया हूँ ट्रिक के माध्यम से, देख लीजिएगा। 15 देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो हेनरी ड्यूनेंट को दिया जाता है रेड क्रॉस की स्थापना का श्रेय। 16 देखिए, गीत गोविंद किनकी रचना है? तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद। 17 देखिए, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1910 में पारित किया गया था। 18 देखिए, किस पशु को मानव ने प्रथम बार पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। 19 देखिए, हड़प्पा का उत्खनकर्ता थे? तो दयाराम शाहनी थे हड़प्पा के। 20 देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। 21 देखिए, एक नैनो बराबर होता है तो 10^9 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण बराबर होता है? तो 45 डिग्री के बराबर होता है अधिकतम परास जो होता है। इसी डिग्री से आप मारिएगा, क्रिकेट जो बल्लेबाज होते हैं इसी डिग्री से मारते हैं ताकि ज़्यादा डिस्टेंस पे जाए जो बॉल है। 23 देखिए, ताप की वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घटता है। जैसे ताप की वृद्धि होगा द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। 24 देखिए, बारनोली प्रमेय का अनुप्रयोग है? तो ये बारनोली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। 25 देखिए, गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, धारा मापा जाता है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। प्रथम भूत संगति हुआ था तो राजगृह में हुआ था, सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड हुआ था पाटलिपुर में, और जो फोर्थ हुआ था कश्मीर में। ये चारों से क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखिएगा। सेकंड देखिए, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मा नंद थे संस्थापक। थर्ड देखिए, मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में राजदूत रहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत रहा।
मेगस्थनीज। फोर्थ देखिए कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कनिष्क। फाइव देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिश्चयेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। सिक्स देखिए उदयपुर नगर के संस्थापक कौन थे, तो राणा उदय सिंह थे उदयपुर के नगर के संस्थापक। सेवन देखिए पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तो 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई। एट देखिए शेरशाह की वास्तविक नाम क्या है, तो फरीद खां है शेरशाह का वास्तविक नाम। नाइन देखिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने स्थापना की गया था, तो ये 1581 ईस्वी में किया गया था दीन ए इलाही धर्म का स्थापना। टेन देखिए भारत में प्रथम बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, तो 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था डाक टिकट का। 11 देखिए इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है, तो लॉर्ड रिपन से है। 12 देखिए मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था मोपला विद्रोह। 13 देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था अखिल किसान सभा का। 14 देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो एनी बेसेंट है। 15 देखिए कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। 16 देखिए धन या वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। 17 देखिए बगदाद यानी इराक किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो टिग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। 18 देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो दिल्ली में है। 19 देखिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। 20 देखिए समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है, तो रेडियन है। अब देखिए 21 चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है, तो IL/2 है। 22 देखिए कौन सदिश राशि है, देखिए ऑप्शन तो चाल विस्थापन द्रव्यमान समय, तो विस्थापन जो है ये सिर्फ सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश है। 23 देखिए कमानी में संचित ऊर्जा कैसा होता है, तो स्थिति ऊर्जा होता है कमानी में संचित ऊर्जा। 24 देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जो बड़ा जी का मान होता है सभी ग्रहों पर समान रहता है। 25 देखिए दाब के संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है, तो पास्कल के नियम से प्राप्त होता है। 26 देखिए प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का जो होता है इसका विचलन सबसे कम होता है। 27 देखिए टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है, तो ये जो जीवाणु का नाम है इब थेरला टाइफोसा टाइफाइड रोग के उत्तरदायी जीवाणु है। 28 देखिए सबसे छोटा बीज कौन है, तो आर्किड बीज। और 29 देखिए प्रोड्यूसर गैस कौन सा है, तो CO+N2 है, ये दोनों प्रोड्यूसर गैस है। अब प्रैक्टिस सेट 5 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे भोजन में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे में मंड और शर्करा जो होता है ये दोनों कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शंस में जो रहे उसको मार दीजिएगा, दोनों होता है पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा दोनों है। सेकंड देखिए किसके समान मात्रा में अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो देखिए सब ऊर्जा के मतलब किसके समान मात्रा में, तो अगर उस वसा वाला चीज़ खाएंगे तो उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है वसा लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड अस्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण अस्कर्वी रोग होता है। फोर देखिए ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद पश्चात मतलब बाद दोहराती है उसे कहते हैं, तो आवर्ती गति कहते हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। फाइव देखिए चुंबकीय पदार्थ होता है, तो देखिए लोहा निकेल कोबाल्ट इत्यादि ये सभी क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। 6 देखिए शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी है शाहनामा के लेखक। 7 देखिए अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया किसके कार्यकाल में, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था जो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम हुआ था, तो इटली में हुआ था। 9 देखिए खानवा का युद्ध हुआ था, तो 16 मार्च 1987 में हुआ था खानवा का युद्ध। 10 देखिए संपूर्ण भारत अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 11 देखिए संसार में गेहूं उत्पादक क्षेत्र प्रेरी पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है प्रेरी का जो क्षेत्र है। 12 देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और मृत्यु की बात करते हैं तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था महात्मा गांधी का, ये बार बार पूछा जाता है। 13 देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 18 तक हुआ था, और दूसरा 39 से 45 तक हुआ था, दोनों याद रखिएगा। 14 देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य है, तो देखिए अस्थाई सदस्य 5 है, अस्थाई 10 है, और टोटल 15 सदस्य है, इस तरह याद रखिएगा। 15 देखिए स्वतंत्र भारत के लिए एक नए झंडे का परिकल्पना किसने किया था, तो मैडम कामा ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंदकिशोर जी 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, जिन्हें शॉर्ट में एन के सिंह कहते हैं। देखिए 17, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रा क्या है? तो वोल्ट पर मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर है 10^7 मीटर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, कौन सदिश राशि है? विभव, ताप, संवेग, कार्य, ये ऑप्शन है, संवेग जो है ये सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश है। 20 देखिए, कोई पिंड समरूप त्वरण से गतिशील है उसका त्वरण होगा अपरिवर्तित त्वरण होगा। 21 देखिए, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम कहलाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। 22 देखिए, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो पानी में पूछा गया ना प्रकाश की, तो 2.25 × 10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है। 23, लाल और हरा मिलकर कौन सा रंग का निर्माण होता है? तो पीला होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ से आप डायग्राम बना लीजिए इस तरह त्रिभुज का, जैसे प्रिज्म होता है, और देखिए यहाँ पर लाल लिख दीजिए, यहाँ पर हरा और यहाँ पर नीला, ठीक है। तो देखिए लाल और हरा मिलाने पर पीला का निर्माण होता है, हरा और नीला मिलेगा तो पीकॉक रंग का कलर हो जाता है, और लाल और नीला मिलाने पर मेजेंटा कलर तैयार होता है। तो याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था लाल और नीला मिलकर कौन सा रंग तैयार होता है, तो मेजेंटा कलर तैयार होता है। 24 देखिए, घरों में दी जाने वाली विद्युत होती है तो 220 वोल्ट की एसी धारा घरों में दी जाती है। अब देखिए 25, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए हॉपकिंस ने किया था, लेकिन ऑप्शंस में कहीं फंक दिया रहता है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, कहीं हॉपकिंस दिया रहता है, कहीं फंक रहता है, तो दोनों में से कोई एक दिया रहेगा उसको आंसर टिक किया जाए, कर दीजिएगा। अगर दोनों रहे साथ में तो हॉपकिंस को कीजिएगा सबसे पहले, ठीक। प्रैक्टिस सेट 6 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगरीय योजना था सिंधु घाटी सभ्यता का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, शेर शाह का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। थर्ड देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो मुनरो था, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति था मुनरो, याद रखिएगा। फोर्थ, भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट जो है ये अलग करता है भारत और श्रीलंका को। फाइव देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। सिक्स देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। देखिए अब योजना आयोग को हटाकर इसके जगह नीति आयोग का स्थापना गठन हो गया है 1 जनवरी 2015 से। इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं, तभी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष। सेवन देखिए, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? तो जो ओ ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए भी क्या होता है, वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है, इसे सर्वदाता बोलते हैं, उसे सर्वग्राही बोलते हैं। देखिए 8 नंबर, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ये सभी है, देखिए लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, मांडवी, ज्वारी, सरावती, पेरियार। देखिए ऑप्शंस में या तो लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये इन चार में से कोई एक दिया रहता है, बाकी तीन ऑप्शन अलग रहता है, और पूछता रहे कौन सा नदी अरब सागर में गिरती, यही चार ऑप्शन या मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, लूनी या तो रहेगा, नहीं तो माही, नहीं तो नर्मदा, नहीं तो ताप्ती, तो इसमें से मार दीजिएगा, वैसे सारे ये गिरता है अरब सागर में नदियाँ। 10 देखिए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद है दक्षिण मध्य रेलवे का। इस पर एक वीडियो लाऊंगा कि कौन से क्षेत्र का कहाँ रेलवे मुख्यालय है। रूस के संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है, रूस के संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा है। 12 देखिए, प्रिंस किसकी रचना है? तो मैकियावेली की रचना है प्रिंस। अब देखिए 13, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप। 14 देखिए, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे आगरा बसा है। 15 देखिए, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 देखिए, त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध का ये पवित्र ग्रंथ है। 17 देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। 18 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, और छोटा द्वीप की बात करते हैं तो बिशप रॉक है, याद रखिएगा। 19 देखिए, भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी, या सभी जानते हैं। 20 देखिए, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। 21 देखिए, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 22 देखिए,
उत्तल दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। अब देखिए 23 उड़यन काल यानी टाइम्स ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2u sin θ / g होता है, छोटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24 अपकेंद्रण का उदाहरण है, तो देखिए ये कई बार पूछा जाता है, तो देखिए इसका बहुत सारा उदाहरण होता है, दूध का क्रीम निकाल दूध से क्रीम निकालना, वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़े की सफाई करना जैसे घूर्णन होता है, अपकेंद्रण पंप का, ये सारे उदाहरण होता है अपकेंद्रण का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुद्धिमत्ता और याददाश्ता का केंद्र है, तो ये होता है सेरिब्रम, यहीं पर हमारा मेमोरी रहता है, जो हम सोचते हैं सब, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिब्रम। प्रैक्टिस सेट 7th का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2nd कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो जर्मनी का निवासी था। 3rd देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का स्थापना हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो 1939 में से देखिए कितना तक हुआ था, 45 तक चला था मैं बताया था, और ये लगभग 6 साल हुआ था, और ये 1914 से लेकर प्रथम जो था 1914 से लेकर 18 तक हुआ था, 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को, मैंने बताया था ये भी, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। 6 देखिए प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किया था, तो कौन किया था भाई, जेम्स वाट द्वारा किया गया था प्रथम वाष्प इंजन का। 4 देखिए कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था, तक्षशिला का रहने वाला था कौटिल्य। 8 देखिए कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है। 9 देखिए महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। 10th देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, मुस्लिम लीग और होम रूल ये कई बार पूछा गया है। देखिए इसके संस्थापक आगा खां और समीमुल्ला खां ये दोनों हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को भी श्रेय जाता है। और देखिए होम रूल का जो स्थापना हुआ था 1916 में, इसके संस्थापक है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। 11 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था, तो 1929 में इसे घोषित किया था, पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष में घोषित किया था, तो 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 लोकसभा के सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितना है, तो लोकसभा के सदस्यता के लिए 25 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया है न्यूनतम, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, याद रखिएगा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा कई बार पूछा जाता है। 13 देखिए दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। 14 देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में स्थित है। 15 देखिए हरा सोना कहा जाता है, तो चाय को हरा सोना कहा जाता है। 16 देखिए भारत के किस राज्य में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं। 17 देखिए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। 18 देखिए कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। 19 देखिए शुष्क वर्ग कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग कहा जाता है। अब प्रैक्टिस सेट 8 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो चंडीगढ़ को कहा जाता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलाबों का शहर पूछा गया, अगर गुलाबी शहर पूछता तो जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। 2nd देखिए गुप्तचर एजेंसी FBI का विस्तार क्या है, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा FBI का ये विस्तार, ये गुप्तचर एजेंसी है। 3rd देखिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में कौन सा बहुलक प्रयोग में लाया जाता है, तो पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है बहुलक के रूप में। 4th देखिए भारत की पहली मुख्य फीचर फिल्म कौन थी, तो राजा हरिश्चंद्र था, ये 1913 में बना था। अब देखिए 5 सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। 6 देखिए काला पानी की सजा के लिए अंग्रेज कैदियों को कहाँ लेकर जेल में डालते थे, तो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में डालते थे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 देखिए इरावती नदी किस देश से संबंधित है, तो म्यांमार से है। अब देखिए 8 सुपरसोनिक विमान किसे कहा जाता है, तो ध्वनि के चाल से अधिक चलने वाले विमान को सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। 9 देखिए भारत में मूंगों का द्वीप कहा जाता है, तो लक्षद्वीप को कहा जाता है मूंगों का द्वीप। 10 देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
11 देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। 12 देखिए, किस ऑपरेशंस के तहत कारगिल युद्ध लड़ा गया था, तो ऑपरेशंस विजय के तहत लड़ा गया था 1999 में। अब देखिए 13, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। 14 देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब। 15 देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, यह संबंध दर्शाता है ई बराबर MC² दर्शाता है। अब देखिए 16, एल्कीन का समान सूत्र क्या है, तो देखिए एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n होता है, और देखिए एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एल्कीन एल्केन एल्काइन, याद रखिएगा। 17, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, तो प्रणोदक कहलाता है, ये प्रणोदक ईंधन कहलाता है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 9 के फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहता है, तो AB ग्रुप को कहा जाता है सर्वग्राही, सर्वदाता O ग्रुप को कहा जाता है। अब देखिए 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो AO ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 3, देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है, आप सभी जानते हैं। 4, देखिए बॉक्साइड अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, FM का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा FM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। 7 देखिए, किस आवृत्ति से अधिक की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को ये नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर हो जाएगा ध्वनि उसे नहीं सुन सकेगा। 8 देखिए, सोना की खपत करने वाला सबसे बड़ा देश, तो भारत है। 9 देखिए, द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र यूपी कर्नाटक बिहार तेलंगाना, याद रखिएगा। 10th, ध्वनि का रिकॉर्ड करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो थॉमस अल्वा एडिसन थे। 11 देखिए, चालुक्य वंश के किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 12 देखिए, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 13, इलेक्ट्रॉन बोल्ट मापता है, तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट मापता है ऊर्जा को। 14 देखिए, अदिश कौन है तो ऑप्शन था वेग विस्थापन चाल और बल, तो देखिए अदिश इसमें है चाल, बाकी वेग विस्थापन। देखिए आपको मैं एक ट्रिक दे, जिसमें वह या ब दिखाई देना वो हरदम सदिश होता है, याद रखेगा, ये ट्रिक है। 15 देखिए, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अव्यय होता है, तो ये लाल रंग का ये न्यूनतम विचलित होता है, सबसे कम विचलित होता है प्रिज्म से। प्रैक्टिस सेट 10th के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो अब याद रखिएगा प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। 2nd देखिए, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो अमेरिका और कनाडा के विभाजित करती है। ये भी मैं बना दिया हूँ, जितने भी प्रमुख देश के बीच में लाइनें हैं उसको इंपॉर्टेंस जितने हैं लाइनें बॉर्डर लाइनें उसको मैं याद करवाया हूँ, तो वीडियो को देख लीजिएगा। 3rd, प्रसिद्ध स्थान चोरी चौरा किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। 4 देखिए, भारत कब गणतंत्र हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। 5 देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अब देखिए 6, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो इस पर भी मैंने आपको स्पेशल वीडियो दिया हूँ, देख लीजिएगा नारा वाला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों के सरस्वती माँ बोलती है कि वेद की तरफ लौटो, इस तरह ट्रिक से के माध्यम से बताया भी हूँ। 7 देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 8 देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। 9 देखिए, भारत के प्रथम महिला IPS कौन थी, तो किरण बेदी थी, और IAS कौन थी, तो अन्ना राजम मल्होत्रा थी, याद रखिएगा। 10th देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो ये कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। अब देखिए 11th, येन किस देश का मुद्रा है, तो जापान का है। 12 देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है, तो 6 वर्षों का होता है। 13 देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। 14 देखिए, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति का आवश्यकता होता है, तो उत्तल लेंस का आवश्यकता होता है। दीर्घ दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, ठीक है। 15 देखिए, एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों में विभेद नहीं कर सकता है, तो देखिए लाल और पीला जो है रंग का विभेद नहीं करता है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग होते हैं।
देखिए 16, जब किसी लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, याद रखिएगा। 17 देखिए, लेंज का नियम संबंधित है तो ऊर्जा से संबंधित है। 18 देखिए, पेट्रोल गैस का मिश्रण है तो देखिए पेट्रोल गैसों का मिश्रण है, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। 19 देखिए, एथोनाइक अम्ल का सूत्र होता है तो CH3COOH होता है। 20 देखिए, हीरा एवं ग्रेफाइट होता है तो कार्बन के अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। 21 देखिए, कुछ एंजाइम भी स्टार्च पर क्रिया कर बनाते हैं, तो जो कुछ एंजाइम जो होते हैं स्टार्च पर क्रिया करके शर्करा का निर्माण करते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 11 के फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गीत गोविंद के लेखक कौन है तो जयदेव है। 2 देखिए, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है तो ये चीन की जो भाषा है मंदारिन है। 4 देखिए, उपनिषद कितना है तो 108 है। 5 देखिए, अश्व अक्षांश किन दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य को अश्व अक्षांश कहते हैं। देखिए 6 एम्स AIIMS का फुल फॉर्म क्या है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो जाएगा। 7 देखिए, नीली क्रांति का संबंध तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति का संबंध। 8 देखिए, किस बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। 9 देखिए, जनेवा स्थित है तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। 10 देखिए, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे बसा है। 11 देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और वहाँ का जो राष्ट्रगान है अमार सुनार है। 12 देखिए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो नौकायन से संबंधित है। 13 देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया था, 1939 में मनाया था। 14 देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति जी करते हैं। 15 देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। 17 देखिए, प्रतिघात का मात्रक क्या है तो ओम है। 18 देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण से होता है इंद्रधनुष का निर्माण। 19 देखिए, लोहा एक क्या है तो एक धातु है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट 12 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है, द हैग में स्थित है। 2 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से UP है। 3 देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो संप्रदाय है तो जैन धर्म के संप्रदाय हैं। 4 देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था तो 1526 में हुआ था। तीनों लड़ाई को याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, तीसरा हुआ था 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में, तो तीनों को याद रखिएगा। 5 नंबर देखिए, सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6 देखिए, फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 11 खिलाड़ी होते हैं। 7 देखिए, कौन सा शहर 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है तो वो चंडीगढ़ है। देखिए पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश ये तो चंडीगढ़ है ही, तो इन तीनों का राजधानी चंडीगढ़ है। 8 देखिए, ह्वेन सांग किसके काल में भारत आए थे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। 9 देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना। अब देखिए 10th, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है तो हडसन नदी के किनारे बसा है। 11 देखिए, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है तो जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का क्या नाम रखा गया है तो तेजस रखा गया है। 13 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो एंजिल जलप्रपात है। 14 देखिए, खूब लड़ी मर्दानी ओ तो झांसी वाली रानी थी ये पंक्तियाँ किनकी लिखी है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्ति है। 15 देखिए, इक्विपंचर नामक चिकित्सा पद्धति किस देश में प्रारंभ हुआ था तो चाइना में हुआ था। 16 देखिए, शक्ति के बीमा क्या है तो MLK2T3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या होगा तो बढ़ जाएगा। 18 देखिए, ताप की वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा तो घटता है, ताप बढ़ेगा तो द्रव का पृष्ठ तनाव घटेगा। 19 देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। 20 देखिए, श्वेत प्रकाश में कितनी वर्ण मिले होते हैं तो 7 वर्ण मिले होते हैं। 21 देखिए, वे पदार्थ जो जलकर उष्मा पैदा करते हैं कहलाते हैं तो ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, पृथ्वी के परत में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, भारत की प्रमुख पैदावार क्या है तो धान है।
प्रैक्टिस सेट 13 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान संशोधन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 368 के तहत ये संशोधन अधिकार देता है, संसद के संविधान संशोधन का अधिकार देता है। सेकंड देखिए, पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित हुआ था? 1954 में हुआ था। थर्ड देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो कर्क रेखा स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। फोर्थ देखिए, यूसी बनर्जी समिति की रिपोर्ट का संबंध किस घटना से है? तो गोधरा कांड से संबंधित है। फाइव देखिए, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। सिक्स देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध भिखाजी कामा किस धर्म के मानने वाले थे? तो पारसी धर्म को मानने वाले थे। सेवन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है। एट देखिए, 32वां ओलंपिक्स खेल यानी 2020 का आयोजन, लेकिन अब ये 2021 में होगा कोविड-19 की वजह से, इसका आयोजन जापान के टोक्यो शहर में होगा। अब देखिए 2024 वाला कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। देखिए ये ओलंपिक्स खेल 4 साल बाद होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये 2020-21 वाला, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th, काला महादेश किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। 11 देखिए, दिल्ली की लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। 12 देखिए, अमृत बाजार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कोलकाता से प्रकाशित होता है। 13 देखिए, देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, आप प्रथम थे राजेंद्र प्रसाद, आप सभी जानते हैं। 14 देखिए, निकट दृष्टि वाले आँखों अस्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है। तो देखिए मतलब निकट दृष्टि दोष किए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अवतल लेंस लगाया जाता है, मतलब उनके व्यवहार के लिए दिया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो इस तरह याद रखिएगा। 15 देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो ऊंच तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। 16 देखिए, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, तो हेनरी है। 17 देखिए, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है कौन सा गेट है? तो ये नंद गेट का इस तरह ये फिगर बनता है। 18 देखिए, ये जो इस तरह बनता है फिगर कौन सा गेट का है? तो नॉर्थ गेट का है, आगे भी और गेट बताऊंगा। 19 देखिए, कमानी में संचित ऊर्जा कौन सी है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। 20 देखिए, कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। 21 देखिए, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। 22 देखिए, ताप बढ़ाने से द्रव्य के श्यानता गुणांक का मान क्या होता है? तो घटता है। 23 देखिए, सूर्य से उष्मा हम लोगों के समीप पहुंचती है, बी किरण के माध्यम से पहुंचता है। 24 देखिए, पौधे और जानवरों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, बायोमास मास कहलाता है। 25 देखिए, वायुमंडल के ऊपर कौन सा स्तर पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो आजोन जो परत होता है ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 14 के फर्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व का पहला देश चाइना है। सेकंड देखिए, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। थर्ड देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फोर्थ, भारत के प्रथम चालक रहित विमान का क्या नाम था? तो लक्ष्य था, ये चालक रहित था, बिना चालक का था। अब देखिए फाइव, अमेजन नदी किस महासागर में गिरता है? तो अटलांटिक महासागर में गिरता है। सिक्स देखिए, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, ये अप टू डेट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तेवन देखिए, मैरियाना बीच कहाँ है? तो चेन्नई में है। 8 देखिए, माओरी जनजाति किस देश में निवास करती है? तो न्यूजीलैंड में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा हुआ था। अब देखिए 10th नंबर, दोहा किस देश की राजधानी है? कतर की राजधानी है दोहा। किस देश की राजधानी है? तो कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। 11 देखिए, गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में है। 12 देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। 13 देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। 14 देखिए, सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो ब्राजील को कहते हैं। 15 देखिए, BSF का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। 16 देखिए, ग्रह चलता है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चलता है। 17 देखिए, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। 18 देखिए, श्वसन की क्रिया होती है माइटोकैंड्रिया में होती है। प्रैक्टिस सेट 15 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है, और कथकली कहाँ का है? केरल का, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होगा। 2nd देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसने से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस था इसके रिसने से हुआ था।
थर्ड देखिए प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का संबंध किस विषय से है, तो गणित से है। फोर्थ देखिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए किनका उपनाम लोकमान्य था, तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य था। सिक्स देखिए कील नहर किन्हें जोड़ता है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ता है। सेवन देखिए भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। एट देखिए नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नाइन देखिए पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण है और सबसे पुराना पुराण है ब्रह्म पुराण, याद रखिएगा। टेन देखिए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। 11 देखिए हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है। 12 देखिए अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है, आप सभी जानते हैं। 13 देखिए संवेग की बीमा क्या है, तो MLT के पावर -1 हो जाएगा। 14 देखिए बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, और यह तुल्य होता है, तो 10^5 डाइन के तुल्य होता है ये। 15 देखिए एक पार्सेक का मान बराबर होता है, तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 16 देखिए ब्रह्मांड का वर्तमान आयु है, तो 15 करोड़ वर्ष है। अब देखिए 17 एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं फोकस दूरी निकालने के लिए F = R/2 करेंगे। R का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, तो कट करेंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। 18 देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध यानी मरकरी है। 19 देखिए घरों में सफेदी करने में प्रयुक्त कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो कैल्शियम यौगिक जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 16 के फर्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, यदि विटामिन के की कमी हो तो आप में खून का थक्का नहीं जमेगा। सेकंड देखिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस बात से है, तो शहनाई से है। थर्ड देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, Washington DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ लेडी रतन टाटा किस ट्रॉफी खेल से संबंधित है, हॉकी से है। 5 देखिए गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। 6 देखिए भारत का प्रथम उपग्रह कौन है, आर्यभट्ट है। 7 देखिए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। 9 देखिए नालंदा किस धर्म संबंधी प्रमुख केंद्र था, तो बौद्ध धर्म संबंधी प्रमुख केंद्र था नालंदा। 10 देखिए यूनिसेफ मुख्य रूप से किनके कल्याण के लिए कार्य करता था, तो बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब देखिए 11 पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है, तो रूस देश से लिया गया है। 12 देखिए नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो चौथे भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। 14 देखिए हिरिथो हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो लंदन में है। 15 देखिए धारिता का मात्रक क्या है, तो फराडे है। 16 देखिए समय कौन सी राशि है, अदिश राशि है। 17 देखिए पहाड़ों पर रखे हुए पत्थर में के टुकड़े में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अब देखिए 18 सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। 19 देखिए जूल ऊर्जा का मात्रक है और यह बराबर होता है, तो 10^7 अर्घ के बराबर होता है। 20 देखिए वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आप सभी जानते हैं अवतल दर्पण बनाता है बड़ा प्रतिबिंब। 21 देखिए स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी है। 22 देखिए मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना होता है, तो देखिए 7% होता है। कैसे, मान लीजिए आपके 60 किलो वजन है, अगर आपको मालूम करना है कि कितना परसेंट हमारे शरीर में खून होगा, तो 60 का 7% निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, देखिए 4.2 लीटर के शरीर में खून होगा। तो जितना भी शरीर का जो भार होता है उसको निकालने के लिए खून की मात्रा 7% निकाल लेंगे जितना भार होगा, तो मालूम चल जाएगा कितना खून है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 17 के फर्स्ट क्वेश्चन LTTE किस देश के आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का है। सेकंड देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थर्ड देखिए मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है, इजराइल का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। 4 देखिए विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। 5 देखिए अवंतिका किस शहर का प्राचीन नाम है, उज्जैन का नाम है। 6 देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये वेलेंटिना तेरेश्कोवा है और भारत की थी प्रथम कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 7 देखिए जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, पूरी उड़ीसा में स्थित है। 8 देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। 9 देखिए सेरिकल्चर में किसका पालन होता है, रेशम के कीड़ों का पालन होता है। 10 देखिए भूमिगत मेट्रो रेलवे का प्रारंभकर्ता देश कौन है, तो ब्रिटेन है, यहीं से सबसे पहले जो मेट्रो रेल का शुरुआत हुआ था ब्रिटेन से। अब देखिए थार मरुस्थल स्थित है, राजस्थान में है।
नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, देश का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन है? तो डुरंड कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तीन नदी के किनारे बसा है। 16 देखिए, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय सनलाइन है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 18 के फर्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के अलावा किस अन्य देश से संबंधित है? तो म्यांमार से संबंधित है। ऐसे ये नहीं पूछेगा, बार बार यही पूछता है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, सीमा रेखा, तो मैकमोहन रेखा है और भारत पाकिस्तान के रेड क्लिफ रेखा है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई में है। थर्ड देखिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। फोर्थ देखिए, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, 19 जुलाई 1905 में किया था बंगाल का विभाजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइव देखिए, विवादास्पद बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। सिक्स देखिए, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। सेवन देखिए, छाउ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। एट देखिए, जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या किया था। नाइन देखिए, राजीव गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। टेन देखिए, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, सभी जानते हैं, सबसे निचला मंडल है। 11 देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह प्रसिद्ध वचन किसका है? तो श्यामलाल गुप्त का है। 12 देखिए, एफिल टावर कहाँ है? आप सभी जानते हैं, पेरिस में है। 13 देखिए, खुजराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और देखिए 14, रामचरितमानस किस मुगल शासक के काल में लिखी गया है? तो अकबर के शासनकाल में लिखा गया है रामचरितमानस। 15 देखिए, बल आघूर्ण का सही मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। 17 देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 18 देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। आप देखिए प्रैक्टिस सेट 19 के फर्स्ट क्वेश्चन, एडमिरल शीर्ष अधिकारी होता है? तो भारतीय नौसेना का ये शीर्ष अधिकारी होता है एडमिरल। अब देखिए सेकंड, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। थर्ड देखिए, तांडव नृत्य का संबंध किस भगवान से है? तो महेश से है। फोर्थ देखिए, माइकल फेरेरा का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड खेल से संबंधित है माइकल फेरेरा का संबंध। फाइव देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये चरित्रहीन के लेखक हैं। सिक्स देखिए, पायरिया से प्रत्यक्ष प्रभावित अंग कौन है? तो मशूरा है। सेवन देखिए, आगरा का किला किसने बनाया था? तो आगरा का किला अकबर द्वारा बनाया गया था। एट देखिए, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो एक शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो ए ओ ह्यूम विख्यात थे। नाइन देखिए, भी आर एस का फुल फॉर्म क्या है? तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है। टेंथ देखिए, सार्क संगठन में कितने देश है? तो 8 देश है। 11 देखिए, अकबर के बाद कौन मुगल शासक गद्दी पर बैठा था? जहांगीर बैठा था। 12 देखिए, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय है। 13 देखिए, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में ये निहित है। अब देखिए 14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, ऊर्जा को मापता है, और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। हेड्स एंड टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेनका गांधी है। सेकेंड देखिए, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। थर्ड देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो विलियम शेक्सपियर जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। फोर्थ देखिए, मेघदूत किनकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। फाइव देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद में किया था। सिक्स देखिए, विश्व कप फुटबॉल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये जूल्स रीमे को माना जाता है। 7 देखिए, सबसे लंबा विद्युत रेल मार्ग किन दो शहरों के बीच है? तो कोलकाता और से दिल्ली के बीच जो है ये सबसे लंबा विद्युत रेल मार्ग है। 8 देखिए, फॉर योर बेटर टुमारो किसका आदर्श वाक्य है? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ये आदर्श वाक्य है। 9 देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो 3 जनवरी को होती है, जिसे ऑफ सौर के नाम से जानते हैं, उप सौर के नाम से जानते हैं 3 जनवरी को। और अधिकतम जो दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये 4 जुलाई को होता है, जिसे ऑफ सौर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफेंस के अलावा एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है।
और रेलवे में भी पूछा गया, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था, तो नरसिम्हा प्रथम के संरक्षण में हुआ था। 11 देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयन कौन सी संस्था करती है, तो आप सभी जानते हैं UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग करती है। अब देखिए 12 RPF का फुल फॉर्म क्या है, तो रेलवे, बहुत सारे लोग बोलते हैं रेलवे पुलिस फोर्स, नहीं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, ठीक है। 13 देखिए, गुलमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए 14, पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे, तो देखिए पृथ्वीराज चौहान जो थे मोहम्मद गोरी से तराइनी की दूसरी लड़ाई में पराजित हुए थे 1192 में, और प्रथम देखिए इनके बीच दो लड़ाई हुआ था, फर्स्ट वाला 1191 में मैं बताया भी था, तो इसमें फर्स्ट वाला में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान की हार हुआ था। 15 देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। और देखिए ये जो आप सिंबल दिख रहे हैं ये कौन सा गेट है, तो नॉर्थ गेट है, नंद गेट, नॉर गेट, ये सब याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है वैसे, ये SSR और AA के लिए है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का है। 18 देखिए, श्वसन के फलस्वरूप बनता है, तो ATP बनता है। फ्रेंड्स ये रहा टोटल, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस जितने भी ऑफलाइन मोड में SSR का एग्जाम हुआ था उसका कराया, और 20 मोस्ट मॉडल सेट कराया आपको GK का, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो और इसके बाद मैं इंडियन नेवी के लिए MR का जो करतार के 35 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चंस का नोट्स लेकर आने वाला हूँ, तो उसको देखिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।